अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं सिंपल एंड इजी पास्ता, वेजी पास्ता है। तो चले स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालूंगी अनसॉल्टेड 1 टेबलस्पून बटर और इसके साथ मैं डाल दूंगी गार्लिक, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है। गार्लिक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि गार्लिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिया। इसमें ऐड करेंगे हम 4 टेबलस्पून शिमला मिर्च है और 4 टेबलस्पून ही गाजर है, और इसमें मैं बंद गोभी थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। और मेरे पास ग्रीन प्याज नहीं था, इसलिए मैंने इसमें रेगुलर प्याज जो है वो ऐड किए। वेजिटेबल को हम इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा हमने इसे फ्राई करना है। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम सोया सॉस, टू टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, हम थोड़ा इसे स्पाइसी बना रहे हैं, और इसमें सिरका मैं 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स, बहुत थोड़ी सी 1/4 टीस्पून। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि ये पास्ते में क्रंची क्रंची लगती हैं, थोड़ी फ्रेश फ्रेश, क्योंकि अगर हम इसे बहुत ज़्यादा कुक करेंगे तो ये उनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बॉईल किया हुआ पानी। हमने सिंपल एंड इजी पास्ता बनाया है। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तो जल्दी से किचन में जाएँ, आपके पास वेजिटेबल भी होंगी तो आप जल्दी से ये पास्ता बनाएँ और अपनी भूख को ख़त्म करें। बहुत मज़ेदार सा ये पास्ता है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं ज़्यादा डालूंगी। ऐड करेंगे हम 5 टेबलस्पून केचप और मज़ेदार सा हमारा पास्ता जो है वो रेडी होने वाला है। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत वेजिटेबल होती हैं जब हम उनको कुक करते हैं तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक आपने हमें कितनी बेहतरीन नेमतें अता की हैं कि हम इनका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। वेजी पास्ता हमारा रेडी हो गया है। फ्लेम हम करेंगे ऑफ और इसको करेंगे हम डिश ऑफ। मज़ेदार सा वेजी पास्ता हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।